टाइम्स उसने बोला कि मेरी माँ बहुत अच्छे तुम आओगे तो वो शायद तुम्हें बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और हम साथ में मिलके एक बहुत अच्छा समय भी बिताएंगे। वुडंट यू ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो तुम्हें आने की परमिशन देंगे? लॉरे, आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम। उसने कहा कि वो डेफिनेटली परमिशन दे सकते हैं अगर तुम्हारी मम्मा उनसे परमिशन ले तो। ही इज़ वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक प्रिटी मच, ओनली ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर ऑफ स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे परमिशन देते हैं वो उन चीज़ों को करने की जो मैं करना चाहता हूँ, वो बस थोड़ा सा डरते हैं कि कोई अजनबी लोग मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। जो इंटरप्टिंग, बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स एंड यू नीड नॉट थिंक यू डिड बी बॉदर। उसने बोला कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम कभी तुम्हें परेशान करेंगे या तुम्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ होगी। वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। जो एन लॉरे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स, अब जो एन लॉरे ने बैठ के बुक्स के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। लॉरे, कम डाउन एंड सी आर लाइब्रेरी। उसने कहा कि नीचे आओ और आके हमारी लाइब्रेरी देखो, आओ चलो नीचे चलते हैं और लाइब्रेरी देखते हैं। ग्रैंडपा इज आउट सो यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। उसने कहा ग्रैंडफादर जो है उसके वो बाहर गए हुए हैं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉसिंग हर हेड, उसने हाँ में सर हिलाया। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, उसने कहा कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती। तो अब हमने क्या देखा कि जब जो उसके घर आई है तो उनके बीच में इंटरेक्शंस चालू हुए जिसकी वजह से पता चला उसे कहीं ना कहीं कि उसकी मदर भी नहीं है और इस वजह से भी कहीं वो शायद बहुत अकेला है। और वो जब उसको उसके चारों बहनों को उनकी माँ के साथ देखता है तो वो बहुत खुश होता है। तो जो ने उसको ऑफर किया है कि वो जब भी चाहे उसके घर आके देख सकता है, घर आ सकता है, बाकायदा उस कर्टन से भी देख सकता है। और उसने बोल बताया कि क्या अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को बुरा नहीं लगे तो हम तुम्हें इनवाइट करते कि तुम हमारे घर आओ, हम लोगों के साथ अच्छा समय बिताओ। तो उसने कहा कि बिल्कुल, अगर आपकी मदर मेरी मदर से परमिशन, मेरे ग्रैंडफादर से परमिशन लेंगे तो वो बिल्कुल मुझे आने के लिए मना नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ ये डर लगता है कि कहीं किसी की वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो। और तो उसने बोला कि हम तो स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। जो ने कहा हम तो पड़ोसी हैं और हम तो आपको बिल्कुल भी हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, तुम तो बिल्कुल हमारे घर आओ और मेरी माँ से आके मिलो। अब देखते हैं कि सीन फोर में क्या होता है। द कर्टन राइज टू अ लाइब्रेरी सीन इन द लॉरेंस हाउस। अब जो कर्टन है वो उठी और अब लाइब्रेरी का सीन है ये। द रूम इज लाइंड विद बुक्स। अब जो रूम है वो लाइंस, उसमें बुक्स रखी हुई हैं एंड देयर आर पिक्चर्स एंड स्टैचूज एंड जस्ट ट्रेसिंग लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज। अब वहाँ पे पिक्चर्स हैं, स्टैचूज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। कैबिनेट है जो कि सिक्कों से भरा हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको जानने की इच्छा हो, इस तरीके की क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब अनयूजुअल सी, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें वहाँ पे हैं जो लोग जानना चाहेंगे कि क्या। बहुत सारे पिक्चर्स, स्टैचूज, बुक्स, ये सब कुछ है। ऑन द वॉल इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ हैंडसम स्टर्न फेस्ड एल्डरली मैन। अब वहाँ पे जो एक वो है दीवार पे एक पोर्ट्रेट लगी हुई है एक हैंडसम से एल्डरली मैन की। द मेड वॉक्स इन। अब मेड जो है वो अंदर आती है। मेड, द डॉक्टर टू सी यू सर। उसने बोला मेड ने कि डॉक्टर आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए सर, आपको देखने के लिए। लॉरे वॉक्स अवे एंड जो इज लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। अब लॉरे जो है वो डॉक्टर से मिलने चला गया है और जो अकेले खड़ी है उस पोर्ट्रेट के सामने। द डोर ओपन्स एंड समवन वॉक्स इन। अब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। ही इज़ द ओल्ड जेंटलमैन ऑफ द पेंटिंग। अब ये वही ओल्ड जेंटलमैन है जिनकी वो पेंटिंग है। ही इज ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सूट एंड सीम्स सरप्राइज टू सी अ यंग गर्ल इन द रूम। अब वो बहुत एलिगेंट से सूट में ड्रेस्ड है और बहुत सरप्राइज है इस यंग लड़की को देख के जो उस कमरे में है। बट बिफोर ही कैन से एनी थिंग जो बिगेंस स्पीकिंग विदाउट टर्निंग। और वो इससे पहले कि कुछ बोल पाते जो ने बोलना शुरू कर दिया बिना पीछे मुड़े देखे कि वो पीछे कौन खड़ा है। जो आई एम श्योर नाउ दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर ही इज़ गॉट काइंड आइज दो हिज माउथ इज ग्रिम एंड ही लुक्स एज इफ ही हैज़ अ ट्रमेंडस विल। ही इजेंट एज हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर बट आई लाइक हिम। उसने बिना सोचे समझे पीछे देखा भी नहीं कि कौन है, उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे ग्रैंड फादर से नहीं डरूंगी। और इनकी आँखें देख के तो लगता है कि जो भी जेंटलमैन, इनकी आँखें बहुत अच्छी हैं, बहुत शांत हैं। और जो है इनकी जो आगे की जांच करने की, कुछ आगे जिंदगी में करने की, और ये जो कुछ भी सोचते हैं
वो वैसा करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बट बहुत हैंडसम हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर से नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें पसंद करती हूँ। अब वो जो जेंटलमैन थे वो कौन थे? लॉरे के ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने इन अ ग्रफ वॉइस, ग्रफ मतलब क्या होता है, बहुत डीप एंड रफ उनकी आवाज़ है, बहुत भारी सी आवाज़ है, उसमें बोला थैंक यू मैम। क्या बोला? थैंक यू मैम, जो गिव्स अ स्क्वील ऑफ डिसमे। स्क्वील ऑफ डिसमे का मतलब क्राई ऑफ अलार्म, जैसे वो अचानक से घबरा गई कि क्या हो गया। जैसे आप सडनली किसी से बात कर रहे हो, किसी और को समझ के, और पीछे कोई और खड़ा हो, लेट्स से कि आप अपने फादर के बारे में बोल रहे हो कि पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं, पीछे पापा ही खड़े हों, वो सब कुछ सुन लें, ऐसे ही वो सरप्राइज हो गई। एंड वर्ल्ड्स अराउंड एंड हैंड क्लैप्ड टू हर माउथ एंड शी स्टेयर्स एट ओल्ड मिस्टर लॉरेंस कर्टन फॉल्स। अब वो एकदम सन्नाटा हो गया, वो उनको देखने लगी, पूरी तालियां बजने लगे, वो अपने मुंह में हाथ रख के उनको अजीत अभी भी सरप्राइजिंगली देख रही है। वो कौन थे? मिस्टर लॉरेंस थे, और अचानक से पर्दे गिर गए। सो दिस इज़ दी स्टोरी, कैसे वो लॉरे से मिली, कैसे उसको लॉरे के बारे में पता चला, कैसे उसकी फ्रेंडशिप होने लगी, कैसे उसे ये पता चला कि उसकी मदर नहीं है, वो अपनी मदर को बहुत मिस करता है, कैसे उसने उस दिन घर आने का ऑफर किया, वो फाइनली उसकी लाइब्रेरी देखने गई है और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर से लॉरे मिलने जाता है, तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो अचानक से आ जाते हैं और लॉरे को लगता और जो को लगता है कि वो पीछे लॉरे खड़ा हुआ है, और वो कैसे उस पोर्ट्रेट जो कि अचानक से पर्दे गिर गए। सो दिस इज़ दी स्टोरी, कैसे वो लॉरे से मिली, कैसे उसको लॉरे के बारे में पता चला, कैसे उसकी फ्रेंडशिप होने लगी, कैसे उसे ये पता चला कि उसकी मदर नहीं है, वो अपनी मदर को बहुत मिस करता है, कैसे उसने उस दिन घर आने का ऑफर किया, वो फाइनली उसकी लाइब्रेरी देखने गई है और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर से लॉरे मिलने जाता है, तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो अचानक से आ जाते हैं और लॉरे को लगता और जो को लगता है कि वो पीछे लॉरे खड़ा हुआ है, और वो कैसे उस पोर्ट्रेट जो कि उसके ग्रैंडफादर की है उसके बारे में बात करती है, और पीछे उसके ग्रैंडफादर ही होते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्ले, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच।